बिल पहले कम आता था और अभी ज्यादा है, और सब्सिडी जो 100 यूनिट दिए हैं वो तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, और ज्यादा बिल आया जून से। पहले कितना था? पहले तो ये विश्वास का न्योता है, आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। मेरा नाम आशा है और वार्ड नंबर 67 है। बिल पहले कम आता था और अभी ज्यादा है, और सब्सिडी जो 100 यूनिट दिए हैं वो तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, और ज्यादा बिल आया जून से। पहले कितना था? पहले तो यही आता था 1100, सर्दी में 700-800 और गर्मी में 1100-1200 आता था, और अभी ज्यादा आया 2100 रुपए बिल आया। अच्छा, किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी तो यही है कि जो 100 यूनिट का फायदा नहीं मिला, बस यही परेशानी है और तो कुछ नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? फायदा मिले, जो गोले साहब ने दिए हमारे को, सब जो कार्ड दिए हैं उसका फायदा मिले। चारों कार्ड है मेरे पास। टाटा पावर से किस तरह का फ्यूल चार्ज लग के आ रहा है? ज्यादा आया है बिल, मैं तो ऐसे समझती नहीं हूँ, ज्यादा बिल आया है बस। ठीक है, राठौड़ है, मैं वार्ड नंबर 67 से हूँ, और हमारे हमेशा बिल 1100 से 1200 समथिंग आता है, पर इस बार अशोक गहलोत की बिल कम करने के बाद, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी बिल हमारा 2200 रुपए आया है। तो इससे फिर फायदा क्या हुआ? पिछले महीने कितना बिल आया? पिछले महीने, उससे पिछले महीने हमारे 1600 और सर्दियों में 1100-1000 रुपए ही बिल आता है, लेकिन इस बार जून में हमारा बिल है ना 2200 रुपए आया है। अच्छा, क्या लगता है? जबकि कभी नहीं आता इतना बिल। फ्यूल चार्ज भी ज्यादा आ रहा है। हाँ, फ्यूल चार्ज जोड़ के ये बिल इतना ज्यादा बढ़ा दिया, तो फिर सब्सिडी का मतलब क्या हुआ? क्या चाहते हैं? सब्सिडी समेत तो हमारे 2700 रुपए बिल हो रहा है। क्या चाहते हैं? बिल तो कभी आता ही नहीं। हम यही चाहते हैं कि बिल कम आए तो इसका फायदा भी तो मिले, स्कीम का 100 यूनिट का फायदा होना चाहिए, उल्टा और ज्यादा बिल आ रहा है। ठीक, मेरा है वार्ड 66 से हूँ, और गेलो सर, गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं हमें दी गई है, बता रहे थे कि साहब आपको 100 यूनिट फ्री मिली जाएगी, उससे पहले 50 का था कि आपको 50 दी जाएगी, तो उसके अंदर तो हमारे बिल आ रहे थे कम, और वो पुराने बिल मेरे पास है भी अभी, जिसमें 450 रुपये सब्सिडी दी गई थी। अभी जो जून वाला जो बिल आया उसके अंदर ऐसी कोई सब्सिडी नहीं दी गई है, उल्टा बिल्कुल 0 आया कि सब्सिडी आपको नहीं है इसके। तो हमें तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बोला जा रहा है उसके अनुसार तो ऐसा नहीं। अच्छा, किस तरीके से बिल आ रहे हैं अभी? बिल अभी मेरा जैसे नॉर्मली वैसे जो बिल आता था वो 500 से 700 रुपये आ रहा था, पर अभी 1500 आया है इसके अंदर, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो फायदा तो नहीं, जबकि हम लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं, सब कुछ करने के बाद भी ऐसा है। क्या 100 यूनिट रजिस्ट्रेशन? हाँ, 100 यूनिट रजिस्ट्रेशन करवा के आए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? कई सालों चाहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट जो अपने जो दे रही है, बोल रही है, जो अपने मुँह से कह रही है कि भाई हम आपको 100 यूनिट का फायदा देंगे, और आज बिलों के अंदर पूरा 1500-1500 रुपये बिल आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल 0 है। ये तो एक छलावा ही है कि आप पब्लिक से बोल कर रहे हैं और बिलों में क्या आ रहा है। 100 यूनिट का फायदा नहीं मिला है अभी तक, जो गहलोत जी ने ये स्कीम चलाई है 100 यूनिट वाली, अभी तक फायदा नहीं मिला है। पहले से ज्यादा आ रहा है अभी बिल, पहले 1500-1200-1300 आते थे, इस बार 2500 आ रहा है बिल। तो हम चाहते हैं कि इस 100 यूनिट का फायदा मिले हमें, और हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 66 में 2 या 3 बंदों को, अधिकतर 2-3 घर हैं उनको मिला है फायदा, बाकी सभी को, और बाकी ये टाटा पावर जो फ्यूल चार्ज है बहुत ज्यादा लगा रहा है। किस तरीके से चार्ज लगा रहा है? ज्यादा ही है, पहले से काफी ज्यादा है। नाम बताइए। दिलीप सिंह चौहान। किस तरह की समस्या आ रही है यहाँ पे? अभी कभी तो बिल है ना, कभी तो तेज आता है, कभी कम आता है, ये कोई समस्या का कोई समाधान नहीं है अभी तक। और पहले तो कम ही आता था, अब कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है, किसी को फायदा नहीं मिला। अच्छा, इस बार कितना बिल आया? अभी तो आया 700-600। पहले कितना आता था? पहले कभी 500, कभी 700 ऐसे ही आ रहा। क्या मानते हैं, किस तरह की लापरवाही मानते हैं आप? अभी लापरवाही है, क्या फायदा हुआ? अशोक गहलोत ने कहा फायदा होगा, कोई फायदा नहीं अभी तक, 2-4 जनों को फायदा मिला इधर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं फायदा ही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? ठीक, सबको मिला फायदा, 2-4 को मिलने से क्या फायदा।